नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सुंदरियाल। आपको दिखाते हैं अहम। हल्द्वानी के बस यात्रियों के लिए अच्छी खबर, आज से भारी वाहनों के लिए खुलेगा भीमताल रानीबाग मार्ग। हल्द्वानी पहाड़ जाने वाले यात्रियों के लिए मुश्किलों का दौर अब खत्म होगा। भीमताल रानीबाग सड़क को भारी वाहनों जैसे बस आदि के लिए खोला जा रहा है। जी हाँ, शुक्रवार शाम से भारी वाहनों के लिए भी उक्त मार्ग खुल जाएगा। बता दें कि रानीबाग पुल के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद से यहां केवल छोटे वाहनों को ही चलने की अनुमति थी। दरअसल 3 महीने पहले रानीबाग पुल के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिस कारण भारी वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया था। हालांकि कुछ दिनों बाद सड़क का मरम्मत कार्य कराने के बाद छोटे वाहनों के लिए रास्ता खोल दिया गया था। कुमाऊं भर से आने वाली रोडवेज बस, केमू बस, डंपर ट्रक, कैंटर समेत अन्य भारी वाहनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लाजमी है कि इस रास्ते के बंद होने से भारी वाहनों को ज्योलीकोट भवाली मार्ग होते हुए निकाला जा रहा था, मगर अब रास्ता खुलने से काफी राहत मिलेगी। खासकर अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पहाड़पानी, धारचूला, पिथौरागढ़, रानीखेत, भीमताल, धानाचूली, भवाली, मुनस्यारी समेत कुमाऊं मंडल के रोडवेज व केमू बस यात्रियों को काफी फायदा होगा। इस मार्ग के बंद होने से यात्रियों को हो रही परेशानी के कारण ही डीएम धीराज गब्रियाल ने लोक निर्माण विभाग मंत्री को 10 दिन में रास्ता खोलने के निर्देश दिए थे। लोक निर्माण विभाग मंत्रालय ने जिलाधिकारी गब्रियाल के दिशा निर्देशों पर रानीबाग पुल के पास क्षतिग्रस्त सड़क को सही कर दिया है। अब शुक्रवार शाम से इसे भारी वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ईएबी कानपाल के मुताबिक शुक्रवार शाम तक भीमताल रानीबाग मार्ग से भारी वाहनों की आवाजाही शुरू करा दिया जाएगा। पुराने पुल के पास सड़क सही करने के बाद नए 2 लेन पुल का निर्माण कार्य भी तेजी से किया जा रहा है।